मैंने निकाल दिया है, जो क्योंकि मेरा दिमाग इतना खराब हो चुका है ना कि वापस। So, 1, 2, 3 ये केला केला बोलती है। नहीं बोलती हूँ मैं, झूठ मत बोल। केला ये ना मेरे जाने से। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रेडियो पूनम को मसाम नमस्कार को सुगम। और सो गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मंगन से, और अभी ऑलमोस्ट 10:30 बजने वाले हैं, और सुबह से मतलब बारिश रुक ही नहीं रहा है। दिन ब दिन मेरे साथ धोखा होते जा रहे हैं, ना ज्यादा बारिश हो रहा है ना कल से, बारिश रुक ही नहीं रहा है। हम लोग मंगन में मतलब फंस चुके हैं। यहाँ पे चेक करो आप लोग बारिश, आई थिंक कैमरा में इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है लेकिन पूरा बारिश है। अगर थोड़ा सा भी बाहर गया ना तो पूरा भीग जाएंगे हम लोग। कल से ऐसे ही बारिश दे रहा है, नॉन स्टॉप बारिश बारिश बारिश। फिर हम लोग का पूरा गियर्स वगैरह हम लोगों ने यहीं पे रखा था, ये भी पूरा भीग चुका है। अभी क्या करूँ पता नहीं गाइस, हम लोग यहीं पे स्टक हो चुके हैं मंगन में। तो कल हम लोग इतना मंगन मंगन बोल के हंस हंस के आ रहे थे, फिर हम लोगों को मंगन में ही रुकना पड़ा लास्ट। अभी पता नहीं हम लोग वापस बंद, सब कुछ बंद, लाचुंग लाचेन सब बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ना लाइक यहाँ पे क्या, क्योंकि गाइस लाचुंग लाचेन सब बंद, रास्ता ब्लॉक हो चुका है पूरा हेवी रेनफॉल की वजह से। यहाँ पे तो पता ही है, पहाड़ों में तो पता ही है पूरा रास्ता ब्लॉक। मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा इसका क्लिप दिखाऊंगी, मतलब वीडियो भेजा था जो लोग वहाँ पे गए थे, पूरा गाड़ी वगैरह पूरा स्टक हो चुके हैं वहाँ पे। बचाओ, अभी हम लोग शायद वापस जाएंगे गैंगटॉक और देखते हैं गाइस, थोड़ी देर में अपडेट देते हैं। हाँ, अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि रास्ता पा हुआ अभी भी बहुत, बारिश बहुत हैवी बारिश दे रहा है, तो गैंगटॉक पहुंचते पहुंचते हम लोगों का हालत खराब हो जाएगा। तो थोड़ा देर देखते हैं गाइस, अभी फ्रेश हो लेते हैं, फिर थोड़ा देर के बाद मैं आप लोगों को अपडेट देती हूँ सीन क्या है। तो सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हम लोग शॉर्टकट लेके यहाँ से जा रहे हैं ऐसे होटल से, नीचे सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, तो क्या ही कर सकते गाइस, बारिश रुक ही नहीं रही, पूरा हम लोग का प्लान बर्बाद हो चुका है। अभी हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं कल रात भी हम लोगों ने पास वाला होटल में ही खाना खाया था, इतना अच्छा नहीं था। आज थोड़ा आगे ढूंढने के लिए जाते हैं, यहाँ पे तो 7 बजे को ही बंद हो जाते हैं ना। हाँ, सो अभी ये है थोड़ा मार्केट, भूख लग रहा है। अभी टाइम कितना हुआ है, 1 बजने वाला है ना, न कितना 12 बज गया है ना, 12:30 बज चुका है गाइस। अभी टाइम पता नहीं क्या करूँ, छाता लेके, वो भी दूसरा का छाता लेके जा रहे हैं वहाँ पे होटल में, किसका बाहर में रखा था वो लेके जा रहे हैं। वापस आके हम लोगों को बहुत ज़्यादा गाली सुनना पड़ेगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, भीग के तो नहीं जा सकते, गाली तो सुन लेंगे लेकिन भीगना नहीं है हम लोगों को, इसीलिए हम लोग किसी का छाता ऐसे छोड़ी करके जा रहे हैं। किसको पूछना क्या ये है, मंगन बाजार में है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये ऐसे हो चुका है, बारिश बारिश आप लोग देख सकते हैं, रुक ही नहीं रहा है बारिश। हम लोग को अभी खाना खाने के लिए भी होटल नहीं मिल रहा है, कहाँ पे मिलेगा वो भी पता नहीं। अगर कोई हमारा वीडियो मंगन से देख रहा है तो एक बार कमेंट में बता देना कौन से साइड में कौन सा खाने का होटल है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे आए तब हम लोगों को खाना मिल जाए इजीली खाने के लिए जगह है ना। तो अभी हम लोग ढूंढते हैं थोड़ा इधर उधर, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग सब फोन भी भीग रहा है। अभी क्या ही कर सकते हैं गाइस, प्लीज वीडियो देखिए क्योंकि हमारा फोन वगैरह भीग रहा है। आप लोग के जैसा हमारा आईफोन नहीं है, एंड्रॉइड फोन है, पानी भीग रहा है ना, तेरा एंड्रॉइड फोन है ना, क्या ही कर सकते हैं, इसका एंड्रॉइड फोन बिचारा ला।
गाइस अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिकन फ्राइड राइस एंड थुक्पा, किधर गया हम लोगों का? हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिकन फ्राइड राइस एंड थुक्पा, क्योंकि यहाँ पे मतलब खाना मिलना बहुत मुश्किल है लाइक सुबह सुबह, और बारिश भी है क्योंकि मुश्किल है क्योंकि बताओ मुश्किल इसीलिए क्योंकि ये जैसे हम लाचन लाचन जाने का रास्ते में बीच में पड़ता है ना, इसीलिए ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होता है, तो बहुत मुश्किल है। पर फाइनली थाली वगैरह मिलना बहुत थोड़ा, और जब भी आप मंगन पे बाई मिस्टेक या अगर कोई सिचुएशन ऐसा हो गया तो आप लोग ना होटल भी ऐसे चूज करके जाना, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू गेट खाना भी, पर यहाँ पे अच्छा है खाना, मेरे को अच्छा लगा, चाय भी अच्छा ही था यहाँ पे, खाना अच्छा है, मोमोज फ्राइड राइस मैगी सब वो सब इजीली मिल जाएंगे, लेकिन जो भात नहीं मिलता, भात थाली नहीं मिलता है। मैं तो इतना ज़्यादा थुक्पा नहीं खाती, लेकिन यहाँ पे ट्राई करते हैं बहुत चलता है ना यहाँ पे, बहुत चलता है क्योंकि ठंडी जगह है ना, मेरा तो फेवरेट है, मेरे को थुक्पा मोमो बहुत चलता है, चाउमीन अच्छा है, अच्छा है गाइस ये थुक्पा। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश दे रहा है और मेरा ये गियर्स राइडिंग पैंट मेरा बहुत गीला है, फिर भी मैं पहन रही हूँ और बहुत ठंडा लग रहा है अभी मुझे, इतना भी नहीं थोड़ा मतलब गीला पैंट पहनने से कैसा लगता है ना, ऐसा फील हो रहा है, और ये भी गीला था लेकिन सूख गया है अभी, तो इसके ऊपर मैं ये जैकेट पहन रही हूँ क्योंकि ठंडा लगने वाला है मुझे, बीमार होने का मन नहीं है, तो मैं ये जैकेट अंदर पहन रही हूँ। हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और ये वाला ना हम लोग का पास था, लाचेन और लाचेन जाने के लिए हम लोगों को जो पास बनाना पड़ता है वो हम लोगों ने कल इतना मुश्किल से हम लोगों ने पास बनाया, फिर ये भी अभी काम नहीं हुआ, तो मेरा पैसा तो ऐसे ही चला गया, तो इसीलिए अभी मैं वो नीचे वाले भैया बात करने के लिए जा रहे हैं जो हम लोगों के लिए पास बनाया था। ये परमिट में ना ये यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ और मैंने फ़ोटो खींच के लेके जा रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँ तो मेरे लिए मतलब वो फ्री हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पेड कर दिया है मेरा बाइक का पैसा, बाइक का 3 दिन का उन्होंने लिया 600 रुपीज़, एंड अगर आप लोग यहाँ का लोकल बाइक वगैरह कार वगैरह लेते हैं लोकल व्हीकल्स के लिए वो लोग पैसा नहीं लेते, इतना अंधेरा है यहाँ पे। तो गाइस हम लोगों ने पैकिंग कर लिया है सब कुछ, चलो हो गया निकलते हैं ना, चलो हाँ वो भैया नहीं था दूसरा भैया था, तो उन्होंने ठीक है पास नहीं थे चौक बोला छोड़ दिया, फोटो खींच के लेके आए, खाना पानी भी नहीं है अभी, इतना खर्चा खर्चे का ऊपर खर्चा हो रहा है हम लोगों का, जितना बजट सोच के आए थे वो उससे ज़्यादा ही अभी लग रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगी लास्ट में हम लोगों का कितना हुआ क्या हुआ मैं सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को। सो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, नहीं कोई रिश्ते पुराने रे किसी पे जाने से जाने में ना इतना भीग जाते हैं ना तब ठंडा लगता है, इसलिए ये वाला जैकेट मैं अंदर पहन रही हूँ। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल गए, बारिश भी दे रहे हैं कितना, और हम लोग का लाश इतना खराब है क्या ही बोलूँ, अभी कुछ भी बोलने के लिए भी मन नहीं कर रहा है, और कैमरा भी मैंने निकाल दिया है जो क्योंकि मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका है ना कि वापस जाना पड़ रहा है हम लोगों को, अभी कितना दिन तक ये बंद रहेगा पता नहीं, यहाँ पे तो हम लोग नहीं रह सकते ना उतना दिन के लिए, तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं और आगे भी रास्ता ब्लॉक है बोला है, तो हम लोग शायद दूसरा रास्ता जाएंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और तो चलते हैं गाइस अभी। तो अभी यहाँ पे पूनम राइड कर रही है, ऐसे वेदर में भी इतना अच्छे से सेफली बाइक चला रही है, और हम लोग अभी सेफली जा रहे हैं, इतना सेफली ऐसे टाइम में ना वो टायर भी स्पीड हो जाता है ना, तो ऐसे जा रहे हैं, वैसे तो 2 घंटा लगेगा बट 2 घंटा से हम लोग ज़्यादा टाइम लेके 3-4 घंटा ही लगे धीरे धीरे चला रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे बीच रास्ते पे रुक गए हैं एंड आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा बारिश था, हम लोग जैसे तैसे करके आ गए हैं मंगन से, अब हम लोग अभी 37 किलोमीटर आगे आए हैं, और यहाँ से कितना किलोमीटर है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है,
बाद में देख के बताती हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक बड़ा सा वाटरफॉल है और एक ब्रिज है यहाँ पे। अगर आप लोग सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम जाते हैं तो यहीं से आप लोगों को मिल जाएंगे एक बड़ा सा वो वाटरफॉल। तो हम लोग अभी फोटो वगैरह खींच लेंगे क्योंकि कल हम लोग खींच नहीं पाए थे। मैं आप लोग को वीडियो में दिखाया था कितना लोग था और आज कोई भी नहीं है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, जो कि बंद है रास्ता, इसीलिए कोई नहीं आ रहे, टूरिस्ट लोग नहीं आ रहे। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा फोटो एंड वीडियो लेंगे। अगर वीडियो अच्छा आया तो मैं इंस्टाग्राम पे जरूर डालूंगी, आप लोग देखना मेरा वीडियो। मौसम तो पूरा रास्ता पूरा फॉगी फॉगी हो चुका था, हम लोग कुछ नहीं दिखाई देते। मेरा हेलमेट का वाइजर भी ब्लैक कलर है, अगर इसको बंद कर दूँ तो भी मतलब कुछ नहीं दिखता है, अगर खोल के चलाऊँ तो भी बारिश, मतलब इतना, मतलब कैसे आए थे यार, मुझे सीजन में नहीं आना ही बेहतर है क्योंकि रास्ता ऐसे ब्लॉक हो जाते हैं और आप लोग भी फंस जाएंगे हम लोगों की तरह। बेहतर है आप लोग मत आइए अभी इस सीजन पे। यहाँ पे इतना ज्यादा बारिश है, क्या ही करो, हम लोग वाटरफॉल पे इतना वीडियो लिया, फोटो लिया, लेकिन एक भी अच्छा नहीं आया चाय। अभी हम लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पे। हम लोग अभी है सेवन सिस्टर फॉल्स, जो कि सिक्किम जाने वाला रास्ता में, नॉर्थ सिक्किम जाने वाला रास्ता में है, जो कि मैंने बताया था हम लोगों को। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, बस चाय पी रहे हैं, बीमार ना पड़ जाए इसलिए मैं चाय पी रहा हूँ, ऐसे तो कुछ आ ही नहीं। होटल पहुंच चुके हैं अभी, नहीं बहुत देर पहले हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा, मतलब क्या ही बोलो, बहुत ज्यादा भीग चुके थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से नहाया गर्म पानी से। फिर हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, अभी टाइम हुआ है 8:30, तो हम लोग अभी डिनर करने जा रहे हैं ऊपर। तो क्या है डिनर में आज मैं दिखाती हूँ। कल तो मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुका था, कल नहीं परसों, इसीलिए मैंने यहाँ का डिनर मैंने क्या है कैसा है मैंने आप लोगों को दिखा नहीं पाए, तो आज मैं दिखा रही हूँ। सो चलते हैं अभी दिखाते हैं आज खाना खाना वाला। हेलो, इस आज के डिनर में क्या है देखते हैं। ये है राइस, आई गेस मेथी राइस एंड स्टीम राइस। यहाँ पे है मूंग दाल, ये है पनीर, ओ वाओ, मटर पनीर, यहाँ पे चाउमीन, फिर यहाँ पे चिकन एंड यहाँ पे खीर, सेवई खीर है। इतना अच्छा डिनर है आज, तो वो मेरे दो दिन से हम लोग अच्छे से खाने ये है ग्रीन मूंग दाल, ये मैंने ट्राई नहीं किया, सब्जी मैंने कभी ट्राई नहीं किया आज तक। सो ये नहीं ये मेरे लिए नया है आज। यहाँ पे सूप भी है, यहाँ पे है हमारा सैलड, ग्रीन सैलड ले लेते हैं। वही तो, जितना भी तारीफ करो सच्ची का बहुत कम ही लग रहा है सच्ची का। यहाँ पे तारीफ करो ये होता है, फिर लोग बोलेंगे कि ये कोलैबोरेशन कर रही है इसीलिए, बट जेनरली अच्छा है ना, कोलैबोरेशन के लिए नहीं यार। यहाँ पे जो हम लोग खाना खा रहे हैं होटल बेंगलोर संग्रीला लोर्ड गैंगटॉक। ये कुछ नेपाली में बोलना चाहते हैं तो अगर तपाईहरु सिक्किम आउनुहुँदैछ या उसको भ्युअर्स अगर नेपालीमा बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ फ्यु वर्ड्स भन्न चाहन्छु। अगर तपाईँहरू गैंगटॉक भिजिट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डेन्जोङ संग्रीला लर्ड गैंगटॉकमा चाहिँ आउनुहोस्, इट्स भेरी नाइस, होइन यस्तो होइन कि इट्स नट द्याट मच एक्सपेन्सिभ, तपाईँले जस्तो खालको रुम चाहनुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ, एन्ड यहाँको खाना इज अल्सो भेरी गुड। वी आर नट डुइङ एनी कोलाबरेसन, हामी चाहिँ यहाँनिर आफै खोजेर आएको हो। सो गाइज आउनुहोस्, इट्स गुड।
हम जो भी बोलते हैं सच्चा सच्चा बोलते हैं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। फेक टू फेक वी आर नॉट फेक। अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिन का तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ओ वाओ, लेकिन अभी रात का वाला मैं व्यू आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ से ऊपर से कितना सुंदर सा व्यू आता है। सो 1 2 3 गो। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर सा नज़ारा है, कितना सुंदर व्यू है। एंड शायद अभी लोग सो भी चुके हैं इसलिए कहीं कहीं पे लाइट्स ऑफ है यहाँ पे, बट फिर भी स्टिल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पे पूरा बारिश दे रहे, बारिश फ़ोन पे पूरा ऐसे आ रहे। सो इतना अच्छा व्यू है ना, इतना अच्छा, मतलब क्या ही बोलूँ गाइस। बुफे सिस्टम वाला डिनर आप लोगों को कहाँ पे खाने को मिले। सो ऐसे मैं ना व्लॉग बना रहे थे यहाँ पे और मैंने देखा कि यहाँ पे रोने का आवाज आया, तो मैंने सोचा कौन रो रहा है इतना रात को, तो ये रो रही है, क्यों रो रहा है बता दो तो, क्या हुआ? पूछो ही नहीं क्या हुआ, साला ब्लॉग डाल रहा है, व्यूज नहीं आ रहा है। सो गाइस प्लीज इसका वीडियो भी सब लोग एक बार देख लेना, सिक्किम गर्ल, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रही है, फिर बहुत मेहनत करती है एंड अभी कैसे रो रहा है देखो, इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा ना, सच्ची बता रही हूँ, हर जगह से आंसू आ रहा। हर लैंग्वेज में मैंने ट्राई कर लिया, हिंदी में भी कर लिया, अब कौन सा लैंग्वेज आसाम इसमें, इंग्लिश में बनाओ, इंग्लिश में भाई, कोई रुको, कोई कमेंट किया है ना तुमको इंग्लिश में वीडियो बनाओ। बहुत मुश्किल से पास हुई हूँ स्कूल में भी कॉलेज में भी, अब ऐसे मेरे को मत सताया करो, इंग्लिश नो, ओनली हिंदी एंड नेपाली एंड आसामिस। सो गाइस मेरे को इसने एक लैंग्वेज एक वो भी सिखाई है, बोलती है केला केला बोलती है गाइस। कौन सिखाया तुमको बोला? मैंने केला मैंने नहीं सिखाया, तुमने तेरा आसाम का दोस्त से सीखा। तुम भी तो आसाम के दोस्त, पहले तो सबसे पहले लड़का का दोस्त है ना, तुम केला सिखाना। देखो गाइस मैं तो सच्ची बोलती हूँ ठीक है, ये केला केला बोलती हूँ, नहीं बोलती हूँ मैं, झूठ मत बोलती, केला ये ना जो कोई अगर कुछ गिरता है तो केला साला बोलते, क्या ही करो, ये हम लोग का आसाम तो का, मैं भी देखो गाइस व्यूज, ये हमारा आसाम का वो क्या बोलते हैं मोशन है, क्या ही करो, बहुत सारा ठंडा है तेरा पेट, मेरा पीठ पे लगा दे रहा है ये लड़की ना, देखो ना इसको, तुम क्यों वीडियो कर रहे है मेरा, आओ ना सीधा करो ना, क्या है तुम, कैसे कैसे सोता है तुम, सीधा करो इसका पैर से लगाए देखो, बहुत गाइस कोई कमेंट इतना ज्यादा मेरा पैर में सब निकल भाई, अब यही काम रह गया, तुम ऐसा कुछ नहीं है, तुम वीडियो करते रहो मेरा, क्या कर रहे तुम, तेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स शो ऑफ कर रहे हैं क्या भाई, हम करेगा भाई, कितनी बेच के कितनी बेच के कितना क्या बोले, घर में गाली वाली खा के लिया है, लो देख लो, देख लो इतना सुंदर सा आईफोन है इसका, तो साथ साथ नेल भी देखो, नेल भी देखो इसका, चलो हम दोनों का नेल्स कंपेयर करते हैं, मेरा देखो सीधा करो ना ऐसे, ओ भाई ये मेरा लड़का का हाथ जैसा नहीं लग रहा है, देखो तो गाइस देखो इसका हाथ कितना सुंदर है, और मेरा वाला हाथ देखो।